इंसानियत का राज है इंसान का एहसास, एहसास जिंदगी है और जिंदगी एहसास। एहसास ना हो तो हम उसूलों का क्या करें, दिल से दिल की जोत जलाता है ये एहसास। इंसानियत का राज है इंसान का एहसास, एहसास जिंदगी है और जिंदगी एहसास। फितरतों के बोझ से दबा है आदमी, नफरतों की आग में जला है आदमी। भेदभाव रंजिशों के जाल काट कर एहसास बनाता है आदमी को आदमी, आदमी को आदमी। इंसानियत का राज है इंसान का एहसास, एहसास जिंदगी है और जिंदगी एहसास। लेकिन किससे पूछ कर सारे साबुन का सत्यानाश करके रख दिया, मेरे मना करने पर भी आप पर कोई असर नहीं होता। तुम अपना साबुन बक्से में बंद करके रखा करो, जरा सा साबुन क्या इस्तेमाल कर दिया सारा आसमान सर पे चढ़ा दिया। अच्छा ठीक है भाभी, अब कभी मेरा साबुन मत छूना। अच्छा उफो, इस साबुन के झगड़े में तो ये सारी सब्जी जल गई, अब मैं इन लोगों को खिलाऊंगी क्या। श्यामा भाई जल्दी से खाना परोस दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी लाई। ओफो जल्दी करो, मैं पहले से ही लेट हूं। क्या हुआ? क्यों भी आज सब्जी नहीं बनाई? बनाई थी लेकिन जल गई, जो ठीक थी वो मैंने देवर जी के लिए रख दी है। अरे एक दिन तुम दाल और अचार से खा लोगे तो कोई मुसीबत थोड़ी आ जाएगी। वाह भाई वाह, अपने लाडले देवर को तो सब्जी खिलाई जा रही है और आप दाल से खा लीजिए। खैर जैसी आपकी आगे, अब आपसे नाराज होकर मरना है क्या? पता लगे कल से दाल भी नहीं है। सुनो जी, मुझे साबुन चाहिए। ठीक है, तुम सुखदेव से कह देना वो ले आएगा। हाँ तब तो आ लिया साबुन। मैं समझा नहीं। ना ही समझो तो अच्छा है, तुम खाना खाओ नहीं तो दफ्तर के लिए देर हो जाएगी। लेकिन मुझे नया साबुन चाहिए ही, आज तो सब्जी जली है ना, कल रोटी भी जल जाएगी, समझे? अब कमाल है, इस सब्जी से साबुन का संबंध हमारी समझ में नहीं आया। Thank you.
कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हो या फिर शादी में जाने की? अरे मुन्ना, कॉलेज भी आजकल सजदास कर जाना पड़ता है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। कौन काटता है नंबर, हेडमास्टर साहब या कोई और? नहीं यार, कॉलेज में साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ, तू नहीं समझेगा, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब समझ जाएगा। चलो चलो उठो, चलो नाश्ता करते हैं और तुम्हें स्कूल भी छोड़ाएंगे। सब समझता हूँ चाचू, सब समझता हूँ। होगा कर लिया? अरे भाई जल्दी बैठो, मुन्ना खाना खाओ, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है बेटा। और भाभी क्या क्या बनाया आज? लो खाओ जल्दी। भाभी मुन्ना को सब्जी नहीं दी? सब्जी नहीं है। क्यों, खत्म हो गई? खत्म नहीं हुई, जल गई। जल गई कैसे? अरे बुही, तुम्हारे साबुन वाले झमेले में सारी जल गई, जो कुछ खाने लायक है वो तुम्हारे सामने है। भाभी भाभी आप मुझे जली हुई सब्जी ही ला दीजिए। मुन्ना तुम ये सब्जी लो। ना तुम पागल हुए हो, मेरे रहते हुए तुम जली हुई सब्जी खाओगे? चलो खाओ इसे। मम्मी। अरे क्या हुआ, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? अभी जा रहा हूँ, रास्ते में से लौट के आ रहा हूँ। क्यों, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अभी बताता हूँ, पहले बताओ तुमने खाना तो नहीं खाया? नहीं, इन्हें धोकर खाऊंगी। ये लो। क्या है इसमें? दही। अरे ये दही कहाँ से आई? चाचा जी ने भिजवाया है, कहा इसके साथ रोटी खाना। अच्छा माँ मैं स्कूल जा रहा जी की पैंट है। ये क्या है इसमें? पैसे होंगे फिर घर भर में चिल्लाएंगे कि मेरे पैसे कहाँ हैं। ये क्या है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ओ, चिट्ठी है। प्राणों के स्वामी प्राणनाथ, तुम्हारी और केवल तुम्हारी प्रियंवदा। तभी आजकल देवर जी का दिमाग सातवें आसमान पर रहता है। आगे देखें क्या लिखा है। मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो दर्शन देने ही बंद कर दिए? पढ़ने बैठती हूँ तो बस यही ध्यान आता है कि कुछ महीने पहले तक तुम इसी सामने वाली कुर्सी पर बैठकर मुझे पढ़ाया करते थे और मैं मंत्रमुग्ध तुम्हें सुना करती थी। ट्यूशन क्या छोड़ा, सारे नाते रिश्ते ही तोड़ दिए। अकेले आने में संकोच हो तो आदरणीय जीजी यानी भाभी जी और मुन्ना भैया को भी साथ लेते आओ। अब अधिक न तरसाओ, राह देखूंगी, तुम्हारी और केवल तुम्हारी प्रियंवदा। अच्छा, इसीलिए देवर जी ट्यूशन छोड़ने के बाद इतने उदास रहने लगे हैं। अब तो इनके भैया से बात करके इसका कुछ प्रबंध करना होगा। किसकी चिट्ठी है मम्मी? अरे तुम फिर आ गए, क्या हो गया? मम्मी पिकनिक के लिए क्लास टीचर ने 10 रुपए मंगवाए थे, मैं ले जाना ही भूल गया, जल्दी से दे दो मम्मी। अभी देती हूँ। और देखो मुन्ना, मैं तुम्हें 20 रुपए दे रही हूँ, इसमें से जो 10 रुपए बचे मेरे लिए एक अच्छा सा साबुन तो ले आओ, जल्दी जाओ। बस अभी गया और अभी आया। अब देखती हूँ देवर जी मेरा साबुन कैसे इस्तेमाल करते हैं, बड़ा इतराते हैं अपने साबुन पर। मम्मी ये रहा आपका साबुन और ये बचे हुए 2 रुपए, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक, अब मैं देवर जी को देख लूंगी, अब मेरा अपना साबुन आ गया। हाय राम, कपड़े धोने का साबुन ले आया बेवकूफ, अब इसका मैं क्या करूं? भाभी क्या है? चाय पियोगी क्या? नहीं।
भैया कहाँ हैं? ऑफिस से आए नहीं क्या? उन्हें तो ऑफिस से आए बहुत देर हो गई। उनसे कोई सज्जन मिलने आए थे, कोई प्रभुलाल या प्रभुदयाल जी, उन्हीं के साथ गए हैं। क्यों, भैया से कुछ काम था क्या? नहीं, भैया से नहीं, आपसे काम था। मुझसे? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा बताओ क्या काम था भाभी? बोलो। भाभी वो मुझे 1000 रुपया चाहिए। 1000 रुपये किस लिए? दरअसल भाभी कॉलेज ड्रामेटिक क्लब के कुछ रुपए मेरे पास थे, पता नहीं कहाँ गिर गए, कल सुबह जमा कराने हैं। भाभी कुछ इंतजाम कर दीजिए ना, मैं आपकी कसम खाता हूँ भाभी, मैं 1-2 महीने में वापस कर दूंगा। वापस करने की बात नहीं है, मैं तो सोच रही थी पता नहीं घर में इतने पैसे हैं भी या नहीं। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुमने भाभी से पैसे मांगे हैं ना, तो इंतजाम हो ही जाएगा, समझे? थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच, आप सचमुच कितनी अच्छी हैं। लेकिन भाभी भैया को ये बात मत कहना। तुमने तो बड़ी दिक्कत में डाल दिया देवर जी, उन्हें कौन कौन सी बात नहीं बतानी है, रुपयों वाली बात नहीं बतानी है, चिट्ठी वाली बात नहीं बतानी है। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? अरे वही, वो किसी अनुसुईया या प्रियंवदा ने लिखी थी, नाम और पता तो था नहीं, हाँ सेंट की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आपको कहाँ मिली चिट्ठी? अच्छा तो वो चिट्ठी तुम्हारी थी? अरे भाई मैं तो समझी मुन्ने को कहीं रास्ते में पड़ी मिल गई। क्यों मजाक कर रही हो भाभी, आपको तो पता ही है कि मैं प्रियंवदा को पहले ट्यूशन पढ़ाता था। बड़े निष्ठुर हो देवर जी। अच्छा हमें भी तो मिला दो, हम भी देखें हमारी देवर की पसंद कैसी है। देखकर भी क्या होगा भाभी, जब कुछ होना ही नहीं है तो। क्यों भाभी? भाभी आप तो जानती हो कि मेरी शादी वहीं होगी जहां भैया चाहेंगे, और फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं भैया से कह सकूं कि मैं कहीं और शादी करना चाहता हूं। हाँ भाई तब तो बड़ी गंभीर समस्या है। ठीक है कुछ करना ही होगा। अच्छा ये लो अपनी चिट्ठी, लो और संभाल के रखो, किसी अच्छे भले घर की लड़की की इज्जत का तमाशा बन सकता है, समझे? श्यामा। भाभी भैया आ रहे हैं, मैं चलता हूँ। ओ श्यामा, वो कहाँ आ रहे, तुम यहाँ खड़ी हो, इधर आओ इधर आओ। मिल गई बातों से छुट्टी तुम्हें? हाँ हाँ तुम बैठो, तुम आओ और ये लो अपना मुंह मीठा करो। क्यों? हाँ कह के आया हूँ। किस बात के लिए हाँ कर दी तुमने? ओफो, तुम अपना मुंह तो मीठा करो। देखो श्यामा कभी कभी काम होना होता है ना तो अपने आप ही हो जाता है। लो अपना मुंह मीठा करो और अपने लाडले देवर का भी मुंह मीठा करो। मैं समझी नहीं। अरे भाई ये प्रभुदयाल जी है ना जिनके साथ मैं गया था, इनकी एक ही लड़की है और सारा कारोबार इनका विदेश में है। हाँ उन्होंने सुखदेव को तुम्हारी भांजी की शादी में देखा होगा, बस तभी से वो उन्हें जम गया। अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं सुखदेव से, बहुत जिद कर रहे थे, मैं तो हाँ करके ही आया। हाँ तुम तो रोटी को तोती कहने वाले हो ना, कि उन्होंने जिद की और तुमने हाँ कर दी। वैसे श्यामा लड़की अच्छी है, गोरी है, सुंदर है, सुशील है, अरे विदेश में रहती है लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर नमस्ते करती है ऐसे। हाँ और बाप के पास पैसा भी काफी है। इसका मतलब तुम लड़की देख भी आए और ये मिठाई ले आए? क्या इस घर में कभी किसी ने मिठाई खाई नहीं है क्या? अरे भाई क्या करता, प्रभु दयाल जी पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, ले गए खींच के अपने साथ, बस लड़की देखनी पड़ी, इसीलिए तो इतनी देर हो गई। हाँ बहुत अच्छा किया तुमने। अरे आजकल शादी ब्याह की सायद भी चल रही है, ये लाउड स्पीकर सुन रहे हो? तुम यहाँ से बैंड बाजा बुलवाते, देवर जी को वहां बुलवाते, शादी कर देते और फिर हाथ जोड़ के नमस्ते करने वाली बहू घर ले आते। अरे तुम देखना श्यामा, जब तुम्हारी ये हाथ जोड़कर नमस्ते करने वाली देवरानी घर आएगी ना तो मैं 10-10 लाउड स्पीकर बजवाऊंगा, सारे मोहल्ले में बैंड बाजा बजवाऊंगा और तुम देखना नाच गाने वाली पार्टियां भी बुलवाऊंगा। तुम ये तो मानती हो नहीं कि बैठे बिठाए इतना बड़ा काम अपने आप हो गया। हाँ ईश्वर की बड़ी कृपा है, जैसे ये प्रभु दयाल जी नहीं होते ना तो मेरा देवर कुंवारा ही रह जाता। ओफो,
देखो श्यामा, तुम हालात तो समझती नहीं हो, बस बैठे बिठाए बहस करने लगती हो। अच्छा चलो छोड़ो, अब जाओ खाना लगाओ, जाओ। क्यों, उस विदेशी बहू ने तुम्हें खाना नहीं खिलाया क्या? ये हाथ जोड़ने वाली बहू को खाना बनाना नहीं आता? खाना नहीं है? नहीं है मतलब अभी तक नहीं बनाया तुमने? बना है लेकिन तुम्हारे लिए। मेरे लिए नहीं है? क्या कह रही हो श्यामा, तुम बात तो सुनो। अरे सुनो तो श्यामा। देखो तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। अच्छा चलो कहो तुम चाहती क्या हो। अरे भैया मुंह से कुछ तो बोलो। देखो देखो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम कुछ कहो तो। श्रीमान जी, मैं देवर जी की माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, सब कुछ हूँ, समझे? तुम्हें क्या अधिकार है कि मुझसे बिना पूछे उसकी शादी तय कर दो? अच्छा ठीक है श्यामा, हम लोग आराम से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना। आराम आराम कुछ नहीं, पहले वादा करो कि इन प्रभु दयाल जी क्या मेरे देवर की शादी नहीं होगी। देखो श्यामा, वो लोग सुखदेव को ऊंची पढ़ाई के लिए विदेश भेजने को भी तैयार है। तुम उसकी चिंता मत करो, सब प्रबंध हो जाएगा। अरे मेरे जेवर किस दिन काम आएंगे? लेकिन श्यामा तुम बिना जेवर के, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनवा सका श्यामा। नहीं नहीं, तुम्हारे जेवर नहीं। मैं बिना जेवर के कहां हूं? मेरे असली जेवर तो तुम हो। तुम ऐसे ही रहो, इसके अलावा मुझे कोई और जेवर नहीं चाहिए। माँ जी। कौन है? जी मैं रघु, रघुवीर सिंह, सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद आया हूँ। आती हूँ। भैया मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम किसके घर से प्रसाद लाए हो? जहाँ पहले सुखदेव भैया पढ़ाया करते थे। ओ अच्छा, प्रियंवदा के घर से? जी हाँ। अच्छा थाली मैं लौटा दूंगी, तुम माँ जी से कहना कि कल मैं मिलने घर आऊंगी, ठीक है? जी। कोई भी आए, चला है। अपनी बारी पर तो ये नहीं चलेगा, हमारी चाल है। दोना। अरे अरे मन्ना, चीखो मत प्लीज, शांति से खेलो। हमारी चाय मेरी है मुन्ना, ये लो अपना दो, इसके बाद खेलना। मम्मी चाय लो। थैंक यू भाभी। मेरी चाल है। अब मेरी चाल है। मेरी चाल है। अरे तुम लोग चुप रहो, लड़ क्यों रहे हो, खेलो। भाभी बेईमानी करता है। चुपचाप खेलो और आप जरा खिसकिए, मुझे भी बैठने दीजिए। ओ बैठो भाई बैठो। सुनो जी, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। पहले ही अखबार रखाओ, कल नया आएगा उसे पढ़ लेना, अभी मेरी बात सुनो तुम। अच्छा भाई नहीं पढ़ते अखबार, खुश। चलो बताओ क्या बात है। आज दिन में रघुवीर आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन रघुवीर? अरे भाई प्रियंवदा का नौकर। लेकिन भाई ये प्रियंवदा है कौन? लो अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि प्रियंवदा कौन है। क्यों देवर जी, जरा इन्हें याद तो दिलाओ कि प्रियंवदा कौन है। अरे देवर जी को तो पसीने आने लगे, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई मैं ही बता देती हूँ कि प्रियंवदा कौन है। अरे वो भली सुंदर सुशील, वो फर्स्ट डिवीजन पाने वाली लड़की जिसे देवर जी कुछ महीने पहले पढ़ाया करते थे। ओ अच्छा अच्छा याद आया। हाँ भाई वो तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन क्या हुआ उसे? अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है, उसे कुछ नहीं हुआ। कल उसके घर सत्यनारायण स्वामी की कथा हुई थी, आज दिन में उसका नौकर आया था प्रसाद देने। अच्छा अच्छा। कल मैं प्रियंवदा के घर जा रही हूँ उसकी माँ से जरूरी बात करने, लेकिन वो बात क्या है मैं अभी नहीं बताने वाली। ये क्या हो रहा है भाभी? फिर मेरा साबुन इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ा ऐसा तो इस्तेमाल किया था देवर जी। मगर क्यों, लाख दफा मना किया है कि मेरा साबुन मत लिया करो, मगर लगता है आपने तो कानों में तेल डाल रखा है। अच्छा ठीक है, अब नहीं लूंगी बस। अब नहीं लूंगी बस। भाभी ये सुनते सुनते ना मैं तो थक गया, मगर आप नहीं थकी। आप धन्य है भाभी, आप धन्य है।
और आप भी धन्य है देवर जी, इतनी सी बात को लेके सारा घर आसमान पे उठा लेते हैं। अच्छा, ये इतनी सी बात है? भाभी ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो ठीक है, ये लो अपना साबुन और इसे संभाल के रखा करो। इसे संभाल के रखा करो, सारे साबुन का सत्यानाश कर दिया, अब मैं इसका लेकर क्या करूंगा? सच दीदी, आपकी तारीफ करते करते तो उनकी आंखें ही भर आती हैं। वो कहते हैं मेरी भाभी माँ के समान है, उतनी ही उदार, उतनी ही सहनशील और उतनी ही महान। और वो ये भी कहते हैं कि अगर भैया भाभी ने मुझे सहारा ना दिया होता तो शायद आज मैं सड़क पर होता। नहीं, ऐसा नहीं है प्रियंवदा। हम लोग कभी कभी ये सोचकर दुखी होते हैं कि हम देवर जी के लिए उतना नहीं कर सके जितना करना चाहिए था। कैसी बातें करती हो दीदी, आपने और भैया ने जितना उनके लिए किया उतना तो देवी देवता ही किसी के लिए कर सकते हैं। अरे भैया, तुम्हारा क्या नाम है? इधर आओ मेरे पास। आओ बेटा, बैठ। पहले आप अपना नाम बताइए। शूर्पणखा। क्यों? क्यों? इतनी सुंदर लड़की का राक्षस जैसा नाम कैसे हो सकता है? इनका नाम प्रियंवदा है और ये तुम्हारी होने वाली चाची है। तो फिर ये यहाँ रहेंगे, हमारे साथ हमारे घर चलेंगे? मुन्ना राजा, ये बात तो तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे पिताजी तय करेंगे। अरे बेटे, तुमने तो कुछ खाया नहीं, कुछ खा लो ना। नहीं, हमने खा लिया, बहुत खा लिया। मैं तो मिलवाना भूल ही गई। ये रमा शंकर है बेटी, प्रियंवदा का बड़ा भाई, चौक में इसकी बड़ी दुकान है। नमस्ते दीदी। खुश हो भैया। तो कब भेजूं बेटी रमा शंकर को बड़े दामाद के पास शादी की बात करने के लिए? कभी भी भेज दीजिए माँ जी, वैसे बात तो पक्की ही है। मैं फिर कह देती हूँ, सुखदेव की शादी प्रियंवदा से ही होगी। बस अब तो आप खुश हैं? हाँ हाँ, बहुत खुश। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटी? रमा शंकर भैया की दुकान पे नहाने का साबुन मिलता है ना? अरे दीदी, नहाने के साबुन की तो अपनी पूरी एजेंसी है। तो भैया, आपको मुझे हर महीने 2 नहाने के अच्छे साबुन भिजवाने पड़ेंगे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो शादी पक्की। अरे दीदी, अगर आपकी इतनी सी शर्त है तो मैं आज ही एक पेटी साबुन आपके घर भिजवा देता हूँ। साबुन के लिए चचू मम्मी की रोज लड़ाई होती है।